हरे कृष्णा राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे भाई जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। तो ये मॉर्निंग रूटीन भी आप समझ सकते हो या सुबह की दिनचर्या मेरी मैं कैसे करती हूँ। तो चलिए जी, पसंद आज वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना, शुरू कर लेते हैं। और रसिया बेटा बैठ गया है उठ के, ये देखो, और डबल डबल कम्बल ले रखा है, ये देखो डबल डबल करके। अब बिठाते हैं कन्हैया, ओरे लल्ला थोड़ा चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। देखो ये कंबल, ये भी डबल एकदम सॉफ्ट स्मूथ वाला कंबल ले रखा है मैंने अपने बच्चों के लिए, और डबल करके उड़ा रखा है। और यहाँ पे एक कंबल और है, इतने छुप के बैठा है मेरा कन्हैया, उठ जाओ बेटा कन्हैया। तो मैं उठाती हूँ कन्हैया को। अब कन्हैया उठ गया है देखो, और मैंने इसकी एक पलक उतार रही थी कन्हैया की, तो दूसरी भी आराम से उतार दी है। ये यूं ही उतर जाती है क्योंकि हमने फेविबॉन्ड से लगाई थी ना, तो यहाँ ऊपर लगाते हैं आंखों के ऊपर यहाँ पे, तो आराम से इजली उतर जाती है। आधी उतर रही थी फिर मैंने आराम से उतार दी, दोनों उतर गई ये देखो। ठीक है, तो अब नई लगाएंगे। और कन्हैया यहाँ बैठ गया है, तो अभी बैठो फिर मैं नीचे यहाँ बिछाऊँगी मोटा कपड़ा, फिर सबको बच्चों को बिठाऊँगी। तो यहाँ पे डड्डू लाडली गुप्पू गुप्पी उठ जाओ रे भैया, उठ जाओ राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। तो यहाँ पे देखो दिख भी नहीं रहे, ऐसे सो रहे हैं बच्चे। तो पहले मैं कंबल हटा लेती हूँ, ये वाला एक उतार। ठीक है, अब और भी ले रखे हैं बच्चों ने, ठंड बहुत है ना, तो उठा लेती हूँ। लाडली बेटा उठ जाओ, देखो कौन है, देखो देखो देखो, ये देखो बच्चे। अब ये उठाऊंगी ना, बिठाती हूँ, और ये इनका पैड भाई है मेरे सो रहे हैं। खोपो खोपो उठ जाओ जल्दी जल्दी। तो मैं बिठा लेती हूँ इनको, और मंदिर भी खुल चुका है। और यहाँ मैं गर्म पानी करके ले आई हूँ, एकदम गर्म गर्म पानी है। और अब बच्चों को यहाँ पे मैंने ये कंबल नीचे बिछा दिया है, और मेरा कन्हैया बैठ गया है। अब सब बच्चे ही बैठेंगे नहाने के लिए, और सब दरवाजे मैंने यहाँ बंद कर दिए हैं ताकि हवा ना लगे। और अब मैं यहाँ से निकालूँगी हमारे कन्हैया कपड़े, इसमें रखें। ठीक है, तो यहाँ मैं इस बॉक्स में कन्हैया को ड्रेस निकाल लेती हूँ, निकाल लेती हूँ। ये वाले कपड़े पहना देंगे आज, ठीक है, ये वाले कपड़े हम कन्हैया को पहनाएंगे। सोच रही हूँ ये पहनाऊँ कौन सा पहनाऊँ, कन्फ्यूज हो जाती हूँ। इसमें बंद करके काफ़ी वजन हो जाता है। और यहाँ इसमें इस वाले में पैंटी बनियान रखी हुई, और यहाँ से अब मैं पैंटी बनियान निकाल लूँगी। और ये देखो ये सब गरम वाले हैं, मतलब कि इनर सेट जो होते हैं, और ये सारी शॉले हैं। तो अब मैं इन्हें स्नान कराती हूँ, पहले प्यार करती हूँ बोधे शरा वाला छोने छोने बच्चों को। ये देखो कितना सोना लगता है बाबू, राधे राधे बोल रहे हैं आप सबको, राधे राधे। तो मैंने यहाँ पर नीचे कम्बल बिछा दिया, सब बच्चों को बिठा दिया है, और सबको पहले लाड लड़ाएंगे, और अपने सर पे आशीर्वाद मैं ले रही हूँ उनके हाथ से हैं। चाहे भाई अपना हम भाव कुछ भी रखें, लेकिन है तो राधा रानी हमारी श्री जी, चाहे हम बेटी बनाएं बहू बनाएं कुछ बनाएं। तो मैं सबको अभी पहले पारी कर करके बिठाती जाऊंगी, और सबको आपसे मिलवाती जाऊंगी, राधे राधे करती जाऊंगी। और बहुत दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है, और तो आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। और मुझे ये नहीं पता कि मैं ये कैसी बना रही हूँ कैसी नहीं बना रही, बस कैमरा ऑन कर दिया था, और जो करती हूँ सुबह वैसे ही बैठ गई थी सब कुछ लेके, मतलब सामान जो भी मैं सजाती हूँ करती हूँ मतलब वो। तो मैंने बैठे बैठे सोचा चलो भाई अब जैसे हम सेवा करते हैं वैसे ही बैठ के एक बार मैं सबको मॉर्निंग रूटीन दिखाऊँ। तो अब आपके कमेंट बताएंगे आपको कैसी लगी पूरी वॉच करना, भोग सेवा सब कुछ दिखाया है। और पता नहीं क्या हो गया, ऐसे नज़र से लग गई चैनल को, वीडियो ही नहीं आ पाती अब
कुछ तो हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आती, या मेरी तबीयत ख़राब रहती है, या फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है, या ठंड बहुत ज़्यादा है। और ऊपर से बात मैं आपसे कर रही हूँ वॉइस ओवर करके, कि पीछे भजन या कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो गलत अब की बार मेरा 1 महीना होने को आ रहा, बिल्कुल भी ऐसे कई बार लगता है थोड़ा सा बोलती हूँ उसके बाद फिर गले में दर्द शुरू हो जा रहा है। पता नहीं मौसम ही ऐसा चेंज हो रहा है क्या। चलो छोड़ो, वो तो चलता रहता है। बस आप मुझे ये बताना कि आपको कैसी लग रही है वीडियो, और बड़े मन से मैंने बनाई है, और बहुत लंबी हो गई थी वीडियो, क्योंकि आपको पता है सबको करने में 2 घंटे 1.5 घंटे लग जाते। 5 बच्चे डेली स्नान करते हैं लड्डू गोपू लाडली गोपी और कन्हैया। यहाँ गर्म पानी मतलब गुनगुना पानी मैंने ले लिया था, और कन्हैया को मैं आपको अच्छे से नहा के दिखा दूँगी, बाकी सबको तो बस थोड़ा स्पीड में करूँगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, क्योंकि बनती जा रही थी वीडियो तो मैंने कैमरा ऑन कर रखा था, और फ्रंट कैमरे से थोड़ा सा कई बार उल्टा दिखता है, तो उसको मैंने कई जगह सीधा करने की कोशिश भी करी है, और कई जगह आपको ऐसे हैंड उल्टा दिख जाएगा। और फ्रंट कैमरे से थोड़ा रोशनी का भी हो जाता है कि लाइट या कितनी जल रही हो, फ्रंट से फ़र्क पड़ता ही है, तो देख लेना आपको। और देखो वो कपड़े रखे हैं, अब मैंने निकाले तो कन्हैया के लिए दूसरे कपड़े थे, लेकिन मैंने कहा पूरा सेट ही पहना देती हूँ, जो ड्रेस पहन रखी है ना राधा कृष्ण वैसे। अच्छा 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 बच्चा देखो कितना छोरा लगता है मेरा बेटा, छोरा बच्चा देखो कन्हैया बाबू है बाबू। तो बस, और फिर मैं रात को आईलैशेस लेने मार्केट भी गई थी, तो इनकी पलके भी लेके आई हूँ, कन्हैया रसिया की टोपी लेके आई हूँ, और मन तो होता है बहुत सारी, मैं ऐसी कई बार छोटी छोटी चीज़ें ले आती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ जरा सा क्या दिखाऊँ क्या दिखाऊँ, बट अगर आप कहोगे तो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊँगी जो मैं आई लैशेस लाई हूँ, और वो टोपी लाई हूँ, और जो पहले की बंसी ला के रखी हुई है, तो वो सब मैं आपको दिखा दूँगी अगर आप कहोगे तो। क्योंकि और तो मुझे समझ नहीं आता वीडियो बनाने का, क्योंकि श्रृंगार मैं कई बार राधा कृष्ण करती हूँ डालती हूँ, तो अब जैसे पहले सब इतने मन से देखते थे तो अब सबको लगता है श्रृंगार श्रृंगार, तो इसलिए व्यूज़ नहीं आते, तो फिर मेहनत वही वाली बात है कि आप इतनी मेहनत करो और उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स ना दे, अच्छा तो मन वो हो जाता है बाकी। और अगर आपको श्रृंगार वीडियो देखने, तो ऑलरेडी मेरी बहुत सारी, मेरा है ही चैनल श्रृंगार का, बहुत सारी वीडियो है तो आपको मिल जाएंगी। और बस अब 22 जनवरी का इंतजार है, आज लोहड़ी है जब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तो सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई हो, और देखो 22 तारीख को प्रभु इच्छा होगी तो श्रृंगार हो जाएगा, वो भी मैंने सब प्रभु इच्छा पे ही छोड़ दिया, क्योंकि अब तो एक होता है ना पहले से पता रहता है, मुझे नहीं होता, मैं बस भगवान पे छोड़ देती हूँ कि आपकी इच्छा है, अगर आपने श्रृंगार करवाना है तो करवा लेना, नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे ही ठीक है। और जो मेरे प्यारे प्यारे जो सब्सक्राइबर हैं उनका प्यार है, जो मैं नई भी डालती वीडियो शॉर्ट डालती हूँ तो आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो मेरे कन्हैया को मैंने ड्रेस पहना दी है, नहीं पहना दी है, और अब मैं बादाम का तेल जो हर सर्दी में लगाती हूँ अपने भी और खाना जी के भी, तो वो मैं इन्हें लगा दूँगी, ये देखिए फेस पे लगा दूंगी, बालों पे लगा दूंगी। तो बस आपको, आप इसी तरह प्यार बनाए रखना, और क्योंकि मैंने कई बार सोचती हूँ क्यों एने की वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ मेरी एक बार खांसी शुरू हो जा रही है तो बंद नहीं होती है, तो इस वजह से मैं मेरी वीडियो भी नहीं कोई आ पा रही, और कुछ समझ भी नहीं आता मैं किस टॉपिक पे वीडियो डालूँ। मैं तो ऑलरेडी शॉर्ट में ही सब कुछ बता देती हूँ, 30 त्यौहार सब कुछ, तो मैं वीडियो किस टॉपिक पे डालूँ मुझे नहीं समझ में आता। और सब हर सर्दी में गर्मी में यही बोलते रहते हैं मॉर्निंग रूटीन विंटर विंटर की या समर की, तो बार बार वो भी नहीं डाली जाती हर बार, और मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने सब बच्चे हैं सबका एक साथ दिखाना, तो इसलिए भी, बट फिर भी मैंने इसमें कोशिश करी है आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन दिनचर्या देने की। और मेरा कन्हैया छोना बच्चा रेडी हो गया है, अब मैं ऊपर बिठा दूंगी इनको, तो अभी मैं नीचे बैठ के श्रृंगार करती हूँ तसल्ली से, और यहाँ मैं थोड़ी स्पीड में लगा दूंगी, लाडली को नहला दिया है मैंने और चूड़ा पहना दिया, मंगलसूत्र पहना दिया। अब देखो फ्रंट कैमरे से ये होता है ना लाइट का, देखो ब्लर भी आता है ऐसे भी आता है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है,
जब खुद से हम वीडियो शूट करते हैं बैक कैमरे से और करें तो समझ नहीं आता कि भाई कैसे हम दिख रहे हैं, कैसी बन रही है वो भी रहता है। तो अब मैंने बस इनको भी रेडी कर दिया है और जूड़ा बना रही हूँ। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जो मेरा लोहड़ी का श्रृंगार नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा दुख भी लगता है कि होता ही है ना मन में कि हम अपनी भाषा में कहें हिंदुस्तानियों के भैया नज़र लग गई अपने चैनल को तो है ना। और बाकी प्रभु इच्छा है, मैं तो हमेशा ही वीडियोस बनती है तो अच्छी बात है, नहीं बनती तो शॉर्ट तो मैं बनाती बनाती हूँ। भगवान जी की वीडियो वो तो बनती रहेंगी और अपने पतिदेव के साथ जो मैं बनाती वो भी बनती रहेंगी। इसलिए ना ब्लॉग भी कोई नहीं आ रहे, पुराने पुराने ब्लॉग होते हैं एक एक दो दो हफ्ते महीना भर पहले वो डाल देती हूँ। और किचन के चैनल पे भी दो तीन वीडियो कब की रखी, अभी तक नहीं डाली गई है। तो आप समझ सकते हो कि टाइमिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है, और दूसरी बात ये तबीयत ठीक ना हो तो वॉइस ओवर तो करनी ही पड़ती है। मैं कितनी भी सोचती हूँ कई बार कि पूरी वीडियो बना देती हूँ, पर वही वाली बात है, कई बार आप घर में कुछ बना रहे हो, देख कितना शोर आ गया पीछे से, कई बार आपकी डोर बेल बज जाती है, कई बार कोई प्रेस वाला आ जाता है, कई बार मतलब आप घर घर की कहानियां भाई कई बार कूड़े वाली आ जाती है, कई बार तो आपको बीच बीच में 10 बार उठना पड़ता है। इसलिए हमें वो कट करनी पड़ती है, वॉइस ओवर करनी पड़ती है। और जो ये वीडियो बनाते हैं उनको सबको पता है कि कभी भी हम डायरेक्ट वीडियो नहीं बना पाते, कुछ ना कुछ बीच में अड़ंगा लग ही जाता है। तो अब मेरे बच्चे तीनों रेडी हो गए हैं, और ये कुछ मन की बातें थी जो मैंने आपको क्लियर करा कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, और आगे भी पता नहीं प्रभु इच्छा होगी तो आ जाएगी, नहीं तो आपको मैं शॉर्ट में सब कुछ बता ही देती हूँ। और आपका प्यार रहा तो सब्सक्राइबर भाई बढ़वा देना और बढ़ा देना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको देती ही रहती हूँ हर चीज़ की। नहीं तो कोई बात नहीं, राधे राधे। मैं तो हमेशा बहुत सहनशीलता में ही जीती हूँ, और जो प्रभु ने दिया बहुत अच्छा दिया है। बस एक होता है ना कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो एक टारगेट बन जाता है कि एक आप को जैसे इनाम मिलता है, हम बच्चे पास होते हैं तो वो उसकी बड़ी तमन्ना है कि भाई कब 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे और कब मेरे को बटन मिलेगा। लेकिन अब तो मुश्किल और भी लग रहा है, क्योंकि क्या बोले, कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, करवा देना, शेयर कर देना वीडियो। और बाकी मेरा अपना मन करता है तो मैं वीडियो बनाती हूँ, और सिर्फ अपने मन को लगाने के लिए, क्योंकि मैं कहीं, सबको पता है अब तो 3 साल हो गए ना, मैं कहीं ज़्यादा आती जाती ना मैं किसी से ज़्यादा वास्ता रखती, बस मुझे यह है कि अपने प्रभु भजन में लगे रहो, है ना, कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से पैर, क्योंकि आजकल माहौल भी नहीं है, आप किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट भी रखो। और ये देखिए हमारा कन्हैया, बच्चे सब रेडी हो चुके हैं, मेरी बहुत बातें हो गई हैं आज, अपने मन को खोल दिया मैंने आज आप सबके सामने। और मैं रसिया को मैं डेली नहीं ले आती हूँ, क्योंकि फिर टाइम बहुत हो जाता है, और रसिया को पहनाने में भी कपड़े मुझे थोड़ा सा डर लगता ही है आराम से भी, इसलिए इनको भी मैं कभी कभी पहनाती हूँ, जैसे हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में ऐसे चेंज करती हूँ। और ये मैं एक आपने मेरी 2-3 साल पुरानी वीडियो भी देखी होगी, मैं हमेशा सारे देवी देवताओं को स्नान कराती हूँ, चाहे एक टॉवल गिरा करके सारे मंदिर के देवी देवता डेली पोंछती हूँ सभी देवी देवताओं को, इसलिए मुझे पूजा में बहुत टाइम लग जाता है। और यहाँ मैं अंदर की लाइट जलाना भूल गई थी, मैं कह रही हूँ ना जब हम खुद से करते हो तो इतना ध्यान नहीं रहता कि क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, बस ऑन चला के रेडी हो जाते हैं। और अब मैं बच्चों को ऊपर बिठा रही हूँ और सब पूछते हैं कि किस पे बिठाते हो, तो एक मैंने चौकी टाइप बनवा रखी है, दोनों व्हाइट कलर की, बहुत हैवी है, लकड़ी में जब मंदिर बनवाया था तभी बना दी थी। और यहाँ मेरे बच्चे भी बैठ के हैं, और अब मैं इन्हें इत्र लगाऊंगी, उन बच्चों को नीचे बैठे थे तभी लगा दिया था गोपू को, और यहाँ मैं लगा दे सबको यहाँ ऊपर। तो आप समझ सकते हो ये वीडियो बनाने में बार बार इधर एंगल करो उधर एंगल करो, वो कैमरे का काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको अच्छी लगी हो और रियलिटी दिख रही हो कि हाँ भी हम डेली जब पूजा करते हैं तो ऐसे ही होता है, टाइम लगता है सब कोई, तो ज़रूर से एक लाइक
ज़्यादा कमेंट ना कर सको तो एक कमेंट, और ज़्यादा शेयर ना कर सको तो एक एक शेयर तो कर ही देना मुझे भी अच्छा लगेगा। और अब शालिग्राम जी को मैं स्नान करा दूंगी, पानी में डिप करके कराती हूँ, लेकिन अब ठंड है तो ऐसे ही करा दे रही हूँ। और पिता स्वरूप मान के शालिग्राम जी की पूजा कर सकते हैं, तो एक बेटी अपने पिता की सेवा कर सकती है, तो इसलिए। और मैं शालिग्राम जी की सेवा करते हुए 20 साल हो गए, मेरे पास 20 साल से मेरी शालिग्राम जी मेरे पास है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पति देव पंडित जी मंदिर में ही पुजारी हैं, तो वहीं से लाए थे, तो तब से सेवा कर रही हूँ मैं इनकी। और बहुत कुछ आशीर्वाद दिया है प्रभु ने मुझे। और तुलसी पत्ता शालिग्राम जी को भोग लगता है तो आप लगा सकते हैं। सॉरी यार, मुझे क्षमा करना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं बोल भी रही हूँ पीछे थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो मतलब प्रॉपर नहीं बोल रही थी, क्योंकि मुझे पता था कभी ना कभी फिर वॉइस ओवर मुझे करनी पड़ती है, लंबी वीडियो ज़्यादा हो जाती है तो मैं सभी को अच्छे से स्नान करा देती हूँ गीला टावल करके। और बार बार टावल को मैं फिर जब पोंछ रहती हूँ तो इस तरह से धोती जाती हूँ, और सबको मैं फिर साफ कराती जाती हूँ। तो आपको कृष्णा दासी लवली की वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मतलब मेरे मन की बातें मैंने कर चुकी हूँ। क्या बोलूँ, क्योंकि कोई भी एकादशी कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं जाता था कि मैं श्रृंगार ना करूँ और लाइव ना आऊँ, तो आज मैं लाइव ना आ पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि नहीं कर पाई मैं श्रृंगार, और मैं ड्रेस भी रेडी नहीं थी सच बताऊँ तो मैं। और वही वाली ड्रेस में अगर मैं करती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई लाइव में इंटरेस्ट भी लेगा, क्योंकि हर कोई फिर कमेंट कर देता कि ये तो आपने जब पहनाई थी, ये तो जब पहनाई थी। वैसे मैं मिक्स मैच करके मैंने पहले भी ड्रेस बना दी है, कोई कह के आप दोबारा मैं पहनाती हूँ हमेशा, जैसे मिक्स मैच कर लेती हूँ, जैसे मैच करके बनाती हूँ स्कर्ट कोई और ऊपर टॉप कोई और, तो ऐसे मैंने कई बार कर चुकी हूँ। आप लोग गौर नहीं करा होगा, लेकिन ऐसा भी मैं कर चुकी हूँ कई बार, तो बस इसलिए। और मैं सब प्रभु इच्छा ही समझ लेती हूँ, जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे होंगे ठाकुर जी, क्योंकि उनको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं इतना बोल भी नहीं पाऊँगी, और अभी भी मैं कितना बोलूँ, बीच में खांसी आने को हो जाती है, और पता नहीं अब गला भी बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं यहाँ पर सफाई कर लूँगी पूरे मंदिर की, और बस आरती करने होंगी। और पहले मैं धूपबत्ती जगाती हूँ और सभी अच्छे से आरती सेवा कर लेती हूँ, मतलब कि मंत्र बोल के, जैसे कोई भी मंत्र बोल के। और एक धूपबत्ती में दरवाजे में बाहर जगा के आती हूँ, और अब कर रही हूँ आरती तो यहाँ आरती कर लेते हैं, चवर झुला रही हूँ और शंख से भी कर लेंगे। तो इस तरह से शॉर्ट में आरती दिखा दी, कई बार आरती की वीडियो मांगते, मैंने एक दो बार शायद फुल आरती की भी आपको दे रखी है वीडियो, जैसे मैं आरती करती हूँ तो लंबी और भी लंबी हो जाती वीडियो, भी बहुत मैंने कट करी है। तो चलिए जी, आरती मैं करके आ गई हूँ बाहर भी, तुलसी माता पे भी, और आप सब भी स्वस्थ रहें मस्त रहें और हमारी वीडियो देखते रहें और अपना प्यार बनाए रखें। अब मैं दूध गर्म हो गया तो दूध यहाँ पे भोग लगा रही हूँ, और चीनी डाल दूँगी इसमें और मिक्स करेंगे। और प्रभु को जब भोग लगाती है तो कहती हूँ लाला थोड़ा सा गुनगुना दूध है जाए तभी पियो तू तो यहाँ पर चीनी डाल के मिक्स कर देते हैं। तो आपको ये सुबह की रूटीन जैसे डेली की होती है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और वैसे तो मैं नाश्ता पानी भी भोग लगाती रहती हूँ डेली, लेकिन आज स्प्रिंग रोल बना के भोग लगाए थे मैंने, क्योंकि तो बहुत दिन से डिमांड भी हो रही थी बच्चों की भी, तो मैंने सोचा चलो वही बना देते हैं। यहाँ भोग रख दिया, एक गिलास में तुलसी नहीं डालती मैं, क्योंकि माता रानी वगैरह के लिए कि भाई बिना तुलसी के भोग लगाते हैं, तो दो गिलास में यहाँ तुलसी एक में नहीं डालती। अब मैंने डालनी बंद कर दी, अब बाद में मैंने सोचा हाँ भाई गणेश जी को भी तो नहीं भोग लगती ना, तो इसलिए एक गिलास बिना तुलसी के छोड़ देती हूँ, और बाकी उधर कन्हैया के पास तो मैं डालती हूँ उधर। यहाँ पे मैं भोग रखूँगी, ये देखिए, और भोले बाबा के पास भी
दो तीन डॉक्टर बदल ले, मेरी खांसी नहीं ठीक हो रही, अब की बात होती जकड़ी पड़ी है। तो यहाँ स्प्रिंग रोल के लिए पत्ता गोभी और ये शिमला मिर्च को ले लिया, नमक में डाल दिया मैंने, और बस जल्दी से मैं मैदा गूंदा ही रखा है, पहले गूंद के रख दिया था ताकि सॉफ्ट हो जाता है ना। तो बस कैमरा कितना हिल रहा है। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर मेरी खांसी के मारे सारी वीडियो ख़राब हो जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखो आपको मैं दिखा रही हूँ रियलिटी की, कितना हमें ये सब करना पड़ता है, इधर कैमरा उधर कैमरा। तो यहाँ पे मैं बेल लेती हूँ पूरी, और इस तरह से मैंने वो भर के और यहाँ पे रोल पैक कर दिया। इसकी वीदियो मैंने डाल रखी है, कृष्णा दासी लवली पे भी डाल रखी है, जब मैं पहले जब मेरा कि रसोई का चैनल नहीं था तो उस पर भी दिखाती थी। तो यहाँ पे बस रोल डाल दिया मैंने और जल्दी से रोल बना के और फिर भोग लगा देंगे। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जो डेली की रूटीन होती है वो हमारी ऐसी होती है कि हम क्या जब बना रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वो जो भोग लगा रहे हैं। तो चलो मैं आपको फटाफट से निकाल के दिखा देती हूँ ये। अब यहाँ पे मैंने कट कर लूँगी दोनों रोल, ये देखिए किस किस को पसंद है स्प्रिंग रोल। भाई मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, छोटे वाले बेटे को तो मेरे बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे मैंने काजू कतली, गज्जक और स्प्रिंग रोल भोग लगा दिए हैं, दूध रख दिया है। अब लगा दूँगी पर्दा, यहाँ पे भोग लगाए और यहाँ पे अब इनको लगा देंगे भोग, और मेरे कन्हैया को भी और भोले बाबा को भी, सबको भोग लग चुका है। ये देखिए, तो चलिए जी, और अब मैं कर लूँगी भोग लगने के, लग रहा है जब तक पर्दा लगा हुआ, माला कर लेती हूँ, दो माला करती हूँ मैं, एक इसमें झोली में है, एक 108 दानों की, एक कमलगट्टे की, एक दूसरी मंत्र, आप कोई भी कर सकते जो आपको मिला हुआ है या कोई भी। तो और बहुत क्षमा चाहती हूँ भाई, मेरे को इतनी खांसी पूरे वीडियो में हुई है भाई, मैं उसके लिए दिल से सॉरी है, क्या करूँ मैं, पता नहीं क्या हो रहा है, प्लीज़। आप मुझे ऐसे ही कमेंट करते रहना वरना ऐसा लगेगा कि सबने मुझे भाई भूल गए क्या, मेरी वीडियो नहीं आ रही, तो आप मुझे भूलना मत, कम से कम उतना तो याद रखना कि भाई पहले बहुत वीडियो मैंने आपको दी है और दूसरे तीसरे दिन वीडियो आ जाती थी आपके पास। बाकी ठाकुर जी की इच्छा है ना। तो यहाँ लग गया भोग, और बाकी मैं 13 तारीख रेडी तो सोच रही हूँ, शाम को ज़रूर होंगी, रील तो बनाऊँगी, क्योंकि उसमें बोलना नहीं होता ना रील में, खाली मुंह हिलाना होता 15-30 सेकंड में, इधर मटको होगी बन गई रील। तो चलिए जी, बताना आपको कैसी लगी वीडियो, और मुझे बहुत बेसब्री से आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, ठीक है जी। ये देखो जी, मैं पहले बच्चों को सबको भोग लगा रही हूँ, और पीछे कितना शोर आ रहा होगा, अब भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, फिर पीछे की आवाज़ फिर आ रही है। सॉरी भाई, आज आपको कृष्णा दासी लवली बिल्कुल रियल में जैसे हो रही है ना, खांसी कुछ वो मैंने पूरा सब कुछ आज ऐसे डाल दिया। तो चलो जी, जय जय श्री राधे।